ये नजारा वाराणसी के गंगा घाट का है, जहां चंद्र ग्रहण के बाद श्रद्धालु गंगा स्नान करने पहुंचे हैं। इसके अलावा दान पुण्य भी किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने पहुंचे थे। आज शरद पूर्णिमा के अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में शरद पूर्णिमा पड़ा हुआ है और ये ग्रहण आपका रात्रि को 1:04 पर लगा है और मोक्ष जो है 2:24 पर मोक्ष हुआ है। इसमें क्या होता है, बाहर से बाहर तीर्थ पुरोहित आते, तीर्थ लोग आते हैं, गंगा स्नान करते हैं। ग्रहण का स्नान करने के बाद पंडित जी को दान देते हैं, अन्न है, जल है, वस्त्र है, पात्र है, स्वर्ण है, चांदी है, समस्त दान देते हैं। क्या होता है, इससे उनके प्रायश्चित दूर होती है, कष्ट बाधा दूर होती है, रोग व्याधा दूर होती है, जो भी उनकी पीड़ा है सब दुख दूर होता है। लमसम तो हमारे हिसाब से तो 50 से 60 हज़ार के लमसम में आए थे। देखिए, ग्रहण लगने का मतलब कल से ग्रहण लगा है, आज इसका मान्यता ही रहती है। अगर आप स्नान ध्यान करते हैं तो आपको जो ग्रहण ग्रहों का जो आपके ऊपर थोड़ा सा नक्षत्र किसी प्रकार रहता है, व्याधा वगैरह रहता है, तो उसका तुरंत वहाँ पर ना स्नान करने से उसका व्याधा दूर होती है। स्नान कर दान देना रहता है, कपड़ा दान दें, अन्न दान दें, द्रव्य दान दें, तो इससे आपकी बाधाएं थोड़ा मुक्ति मिलती है, ऐसी प्राचीन मान्यताएं हैं। कम से कम 50,000 से तो ज़्यादा ही लोग नहाए हैं। क्या होता है इसमें, कैसे? ये कहा जाता है कि भगवान के ऊपर ग्रहण लगता है, भगवान हम लोग का उपकार करते हैं तो हम लोग उनकी तपस्या करते हैं। क्या इसमें दान पुण्य भी होता है क्या? हाँ, इसमें दान पुण्य भी किया जाता है, अन्न दान किया जाता है, फल दान किया जाता है, पैसा दान किया जाता है। हाँ, बहुत दान पुण्य होता है, उसी से तो घर में बरकत होता है दान पुण्य करने से। हाँ, कल भी वो हुआ, हम लोग कल भी किए, आज भी किए हैं, आज अभी कर भी जाएंगे तो करते जाएंगे। हाँ, हम लोग दान पुण्य आज के दिन जरूरी रहता है दान पुण्य।